Hello, myself Dr. Hina Dhawar. Welcome to Testbook Super Coaching. तो instructional design models हम already start कर चुके हैं. System approach कहता है कि आप use करते हो step by step method to you know actually achieve your goals. ठीक है. Instructional design का मतलब होता है lesson को plan out करना, यानी lesson planning करना. अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम ADDIE अश्योर मॉडल को यूज करते हैं, गैगने को यूज करते हैं फॉर डिजाइनिंग योर लेसन प्लान. कंटिन्यू करेंगे कुछ और मॉडल्स के साथ, जिसमें नेक्स्ट मॉडल आता है आपका डिक एंड कैरे मॉडल, विच इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 100% चांसेस रहते हैं कि गैगने या डिक एंड कैरे में से क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है. सो डिक एंड कैरे मॉडल नाम से ही समझ आ रहा है, वॉल्टर डिक एंड लो कैरे एंड जेम्स कैरे के द्वारा डिजाइन किया गया है. सो दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज डिक एंड कैरे, वॉल्टर डिक, लो कैरे एंड जेम्स कैरे. इस मॉडल का एक नाम और है, सिस्टम अप्रोच के नाम से भी इसको जाना जाता है. ठीक है, वो तो सिस्टम अप्रोच मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ होता क्या है, बट इस मॉडल को भी आप सिस्टम अप्रोच मॉडल कहते हो, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे हम सिस्टमैटिकली वर्कआउट करते हैं. तो जनरली इस मॉडल को काफी लोग सिस्टम अप्रोच मॉडल के नाम से भी जानते हैं. अब आप कहोगे मैम बाकी भी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करते हैं, सिर्फ यही क्यों? इट इज जस्ट दैट रीजन इसका ये है क्योंकि यहाँ पे सारे पार्ट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जैसे बाकी मॉडल्स में भी होता है. लेकिन इन्होंने बाय डिफॉल्ट अपने मॉडल को एक नाम और दिया, दैट इज सिस्टमैटिक अप्रोच या सिस्टम अप्रोच. क्लियर? ओनली मीनिंग इज कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करते हैं. इसी रीजन से इन्होंने अपने मॉडल का एक और नाम दे दिया, दैट इज सिस्टम अप्रोच. रीजन बीइंग कि सब आपस में मिलकर काम करते हैं, वन पार्ट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस दी अदर, जो कि बाकी मॉडल्स में भी होता है, बट दे हैव टू गिवन, दे हैव चूजन दिस अनदर नेम फॉर दिस मॉडल. तो एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन आया था कि सिस्टम अप्रोच मॉडल नेम किसका, सिस्टम अप्रोच फॉलो होता है बाकी सब मॉडल्स में, बट इसका दूसरा नाम भी सिस्टम अप्रोच है. क्लियर? तो याद रखिएगा इट इज डिक एंड कैरे मॉडल. डिक एंड कैरे मॉडल को याद रखने के लिए हमेशा से मैं अपने बच्चों को एक शॉर्टकट देती हूँ, दैट इज DADDFS. ये जो पूरा मॉडल है ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, DA यानी कि पहला, DD यानी कि दूसरा, FS यानी कि तीसरा. तीन फेजेस में डिवाइडेड है आपका ये पूरा का पूरा मॉडल. क्लियर? जिसमें पहले और इस ये तीन फेजेस में डिवाइडेड है ना, एंड इसमें टोटल जितने स्टेप्स है आपके 10 स्टेप्स है. इट हैज टोटल 10 स्टेप्स. अगेन फॉलो यहां पे OPIE ही होगा. तो DA जो होता है ये होता है O, DD होता है आपका प्लानिंग का फेज, FS होता है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन का स्टेज. क्लियर? तो स्टेप नंबर वन क्या है, आइडेंटिफाई करते हो आप अपने गोल्स को. तो सबसे पहले आप अपने गोल्स बनाते हो कि हमारे लक्ष्य क्या है, कि बच्चे का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, नेट का क्लियर होना चाहिए, यूनिट नंबर वन क्लियर होना चाहिए. उसके बाद आप बच्चे का प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग से पहले उसकी नीड्स एनालाइज करते हो, उस सिचुएशन को स्टडी करते हो जिसमें बच्चे ने पढ़ना है, यानी लर्नर की नीड्स और सिचुएशनल नीड्स को समझने की कोशिश करते हो कि बच्चा कहाँ से है, क्या बैकग्राउंड है, बच्चे की जरूरत क्या है, इस समय कंटेंट की जरूरत क्या है. एंड थर्ड स्टेप में आप उसका इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस करते हो, यानी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हो, आप विश्लेषण करते हो पूर्व ज्ञान का. क्लियर? तो ये जो तीनों स्टेप्स है ये आपके बिलोंग करते हैं डी और ए के अंदर, दैट इज ओ. ओ मीन्स ऑब्जेक्टिव सेट करना, आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल. देन फोर्थ स्टेप कहता है आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि मुझे अपना नेट GRF क्लियर करना है. ये तो हो गया आपका स्टेप नंबर वन. अब स्टेप नंबर फोर में वो कह रहे हैं परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, यानी ये नेट GRF क्रैक होगा कैसे, जब मेरा यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर टू, यूनिट नंबर थ्री, यूनिट नंबर 10 सारे यूनिट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे. यानी मुझे पेपर नंबर वन के 10 यूनिट, पेपर नंबर टू के 10 यूनिट में मास्टरी चाहिए. दैट मीन्स
कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आपको हेल्प करेंगे मेन गोल तक जाने में. सो दैट इज कॉल्ड एज योर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव. क्लियर. अब ओपीआई में ऑब्जेक्टिव्स के बाद आता है प्लानिंग का स्टेज. प्लानिंग में आप कंटेंट रेडी करते हो, कंटेंट को कैसे अरेंज करना है, टीचिंग मेथड, फिर टीचिंग एड और फिर अपना असेसमेंट टूल डिसाइड करते हो. एम आई राइट? यही होता है ना. तो देखो अब आपका डी ए डी डी में डेवलपमेंट एंड डिजाइन होना है. किस चीज का डिजाइन होना है? इन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग सही लेसन को डिजाइन करना है. और जब आपका लेसन डिजाइन हो जाएगा आपको बताना है कि आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करोगे और क्या क्या टीचिंग एड्स यूज करोगे. क्लियर. तो स्टेप नंबर 5 बताता है कि क्या कंटेंट यूज करोगे. स्टेप नंबर 6 कहता है क्या टीचिंग मेथड और स्ट्रेटजी यूज करोगे. स्टेप नंबर 7 कहता है कि क्या टीचिंग एड्स और मटेरियल यूज करोगे. क्लियर. तो मैंने शॉर्टकट बताया था ना, डी ए डी डी एफ एस. डी ए होता है आपका ओ वाला स्टेज, डी डी होता है पी वाला स्टेज. तो ये भी कवर हो गया, अब ये भी कवर हो गया. अब आपका एफ एस रहता है और इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन रहता है. F का मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव मींस ड्यूरिंग प्रोसेस में होता है और ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन. जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, व्हेन यू आर ट्रांजैक्टिंग द नॉलेज, आप बच्चे को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो. ठीक है, वो कब होगा? जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो ताकि आपको ये पता लग जाए आप करेक्ट डायरेक्शन में हो या अभी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है. एंड देन 9th स्टेप कहता है बच्चे को फीडबैक दीजिए. फॉर्मेटिव असेसमेंट किया और फीडबैक दोगे ना कि क्या हम सही डायरेक्शन में हैं या नहीं, या अभी हमें और इम्प्रूव करने की जरूरत है. इम्प्रूव करना है तो डायग्नोस्टिक भी करोगे, यानी मिस्टेक को फाइंड करके रिमीडियल क्लास दोगे, है ना. एंड लास्ट 10th स्टेप है आपका सबमिटिव इवैल्यूएशन करना. एफ एस मीन्स सबमिटिव इवैल्यूएशन करना, विच इज कंडक्टेड एट द एंड. क्लियर. सो इस डायग्राम पे जाने से पहले मैं आपको एक चार्ट बना के दे रही हूँ जिससे कि ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को. तो देखिए ये पूरा डिक एंड कैरी का मॉडल जो है वो डिवाइडेड है आपके डी ए डी डी एफ एस से, याद रखिए. यानी टोटल 3 फेजेस है. पहला फेज है डी ए का, दूसरा फेज है आपका डी डी का, तीसरा फेज है आपका एफ एस. क्लियर. अब अगर हम इसको ओपीआई से रिलेट करें तो ये ओ है, ये पी है, ये आई है और ये ई है. अब इस डी का मतलब क्या होता है? डिजाइन करना. ए का मतलब होता है एनालाइज करना. तो ये टोटल जो 3 फेजेस हैं ये डिवाइडेड हैं 10 स्टेप्स में. अब देखिए कैसे. पहला स्टेप होता है आप डिजाइन करते हो अपने गोल्स को. दूसरा स्टेप होता है आप एनालाइज करते हो नीड्स को. तीसरा स्टेप होता है आप प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हो. एंड फोर्थ स्टेप होता है आप आपके परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हो, यानी गोल्स को अचीव करने के लिए कौन से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स वर्क करेंगे. क्लियर. तो ये पूरा लेवल ओपीआई के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है. अब देख लो ये डी डी है. डी का मतलब होता है डिजाइन और डेवलप. यहां आप क्या चीजें डिजाइन और डेवलप करोगे? सबसे पहले 5th स्टेप है आपका कंटेंट को डिजाइन करेंगे. 6th है आप टीचिंग मेथड और टीचिंग स्ट्रेटजी को डिजाइन करोगे और डेवलप करोगे. एंड 7th है आप टीचिंग एड्स को डिजाइन करोगे और टीचिंग मटेरियल को डिजाइन करोगे. डिजाइन एंड डेवलप प्लानिंग का स्टेज. अब आता है F का मतलब होता है फॉर्मेटिव एंड S का मतलब होता है सबमिटिव. फॉर्मेटिव में आता है 8th आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट करना. 9th होता है बच्चे को फीडबैक देना कि आप सही दिशा में हो या नहीं, जिसको आप इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हो. ये दोनों स्टेप मिला के बनता है इम्प्लीमेंटेशन. और लास्ट 10th होता है समेटिव इवैल्यूएशन करना, फाइनल डिसीजन लेना, जिसको आप बोलते हो अपना इवैल्यूएशन. क्लियर. तो देखा इस मॉडल को याद रखना कितना आसान है. डी ए डी डी एफ एस. डैडी याद रहते हैं ना, डैडी में वाई की जगह एफ एस हो जाएगा.
इसको तीन फेजेस में डिवाइड करा, पहला होता है डीए, दूसरा होता है डीडी, तीसरा होता है एफएस, ठीक है। अब इसको ओपीआई से रिलेट कर दो, डीए ओ डीडी पी एफएस मींस इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, बस अगर इतना याद हो गया सारा काम हो गया। 10 स्टेप्स है, ओ में जाएंगे आपके 4 स्टेप्स, पी में आएंगे आपके 3 स्टेप्स और इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन में फिर से आएंगे आपके 3 स्टेप्स, टोटल हो गए 10 स्टेप्स, क्लियर। So that is why I said that I am going to share everything with you. Clear? Amazing. So चलिए इस बार यही डायग्राम एग्जाम के अंदर पूछा गया था आपसे, तो देखो मैं एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लूं। So step number one क्या होता है, step number one होता है कि आप अपने गोल्स को identify करते हो। स्टेप नंबर टू होता है आप एनालिसिस करते हो इंट्री बिहेवियर, यानी बच्चे अभी आ रहे हैं उनकी नीड्स को एनालाइज कर रहे हो। थर्ड स्टेप होता है आप प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हो, इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस। फोर्थ स्टेप होता है आप परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स यूज करते हो। तो इस बार क्वेश्चन आया था कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आप कब बनाते हो, तो ऑप्शन में आंसर था डीकेएन कैरे उसके रहे, यानी आप सबसे पहले क्या करते हो, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद आप बेसिकली सबसे पहले अपने लिए कंटेंट को रेडी करते हो। कंटेंट रेडी करने के बाद आप मटेरियल रेडी करते हो और साथ ही में आप क्या रेडी करते हो, अपने असेसमेंट के टूल्स यानी क्राइटेरियन रेफरेंस, क्योंकि आप ऑलरेडी बच्चे को पढ़ा रहे हो और बता रहे हो कि आपको क्या चीज आनी चाहिए। नॉन रेफरेंस मतलब होता है पीयर ग्रुप, क्राइटेरियन रेफरेंस मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, क्लियर। तो ऑलरेडी यू नो कि आपने क्या पढ़ना है और आपको ये पता है कि कितने मार्क्स पे क्या ग्रेडिंग्स होगी, ठीक है। सो दैट इज वाई वी यूज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, बिकॉज वी ऑलरेडी इन्फॉर्म यू वॉट आर योर गोल्स, आपको पहले से मालूम है कि आपके गोल्स और टारगेट्स क्या है और आपको कितना अचीव करना है। आपको अभी भी मालूम है, देखो जो आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है उसमें आपकी क्राइटेरिया नहीं नॉर्म यूज होता है, कंपैरिजन पीयर ग्रुप्स हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये मालूम है कि अगर मेरे 300 में से 240 से ज्यादा मार्क्स है तो मैं सेफ हूँ, ठीक है। उस सिचुएशन में आपका पीयर ग्रुप जो मर्जी लाए आपको पता है मैं सेफ हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको एक क्राइटेरिया पता है जो मुझे अचीव करना है, क्लियर। देन आपका 8th स्टेप होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करना और फीडबैक देना, एंड 10th स्टेप होता है समेटिव इवैल्यूएशन करना, क्लियर। सो यही क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया था कि आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कौन से मॉडल में बनाया जाता है, आपका आंसर था डीकेएन कैरे मॉडल। चलिए तो अब डिस्कस कर लेते हैं इस मॉडल की क्या क्या खासियत है। तो पहली चीज जो आपको इस मॉडल के लिए याद रखनी है वो ये है, इसका नाम सिस्टम अप्रोच मॉडल भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक ऐसा मॉडल है जहां पे आप फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपने देखा है ना, आपका जो 7th और 8th और 9th स्टेप है, ये तीनों ही स्टेप जो इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन से रिलेटेड है, इनमें फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों को कंडक्ट कर रहे हैं। So, ये इसकी एक और खास बात है जो यूजीसी नेट ने पूछी थी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस मॉडल में आप क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट पर फोकस करते हो। सो द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसमें क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट पर खासतौर पे फोकस किया जाता है। क्लियर टू एवरीबॉडी? सो सिस्टम अप्रोच, क्लियर वे ऑफ डूइंग द फॉर्मेटिव एंड समेटिव और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को यूज किया जाता है। And for this overall shortcut to remember is DA, DD, FS. Total आपके पास कह लीजिए तीन phases में मैंने divide किया, 6 phases कह लीजिए आप उसको, 6 है ना total DA, DD, FS, जिसको मैंने तीन parts में divide करा है and total 10 steps. Clear? Simple, easy. So important thing is it is system approach because all components are interrelated and clear cut way जहाँ पे formative, summative होता है criterion reference. एक और रीजन कि हम इसको सिस्टम अप्रोच कहते हैं वो ये है, आप देखिए हर स्टेप दूसरे से रिलेटेड है, यानी जब आप बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कौन से गोल्स के लिए कर रहे हैं।
तो देखिए सारे पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए, जबकि एडीडीआई मॉडल में पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, है ना? ऐसा तो नहीं था बीच में से भी सब एक दूसरे से जुड़े हुए, इंटरलिंक्ड नहीं थे, ऐसे साइक्लिक था। यहाँ क्या है, रिविजन यहां से भी जुड़ा है, रिविजन इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस से भी जुड़ा है। ठीक है, बच्चे का समेटिव आपको नेक्स्ट एंट्री बिहेवियर बताएगा और गोल से भी आप एंट्री बिहेवियर चेक करोगे, यानी जब बच्चा क्लास में आ रहा है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो समेटिव की बात भी चेक की जाती है और क्लास के स्टार्टिंग में भी चेक की जाती है। क्लियर? बच्चे की क्लास के क्या गोल्स हैं, यानी आज की क्लास का मेरा टारगेट था कि आपको डिकेन कैरे मॉडल आना चाहिए, तो अब मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगी वो भी डिकेन कैरे से रिलेटेड होने चाहिए, जो मैं पढ़ाऊंगी वो भी डिकेन कैरे से रिलेटेड होना चाहिए, यानी मेरा फॉर्मेटिव असेसमेंट भी डिकेन कैरे से रिलेटेड था, मेरे आज का कंटेंट भी डिकेन कैरे से रिलेटेड था, यानी आगे वाले स्टेप्स भी गोल से रिलेटेड है। सो आप देख लो ये इंटर रिलेशन जो है ना, इस रीजन से भी इसको सिस्टम अप्रोच कहा जाता है। क्लियर? इस मॉडल को, स्पेसिफिकली इस मॉडल को सिस्टम अप्रोच मॉडल कहा जाता है। फाइन, इजी था, सिंपल था, कोई मुश्किल तो नहीं है। कोई डाउट होगी आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मोस्ट वेलकम, एनी टाइम यू कैन आस्क मी योर डाउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मॉडल पे आ जाइए। फाइव इज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। फाइव इज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो रॉबर्ट बाइबी के द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? जब वो बायोलॉजिकल करिकुलम को डिजाइन कर रहे थे। तो फाइव इज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो रॉबर्ट बाइबी के द्वारा बनाया गया था, जब वो बेसिकली बायोलॉजिकल करिकुलम को डिजाइन कर रहे थे। और फाइव इज क्या है? एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट एंड इवैल्यूएट। आप इसके नेम को चेंज नहीं कर सकते। एंड इस मॉडल को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जब आप बच्चे को एक्टिव रखना चाहते हो, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कह रहा है, यानी लर्नर कुछ कंस्ट्रक्ट करता है, कुछ नया करता है यूजिंग इज ओल्ड नॉलेज एंड ओल्ड नॉलेज, ओल्ड कंटेंट एंड एक्सपीरियंसेस। यानी लर्नर एक्टिव होता है, जैसे पेंटिंग, ड्रामा, टीम वर्क, प्रेजेंटेशन, इन सब मेथड्स में फाइव ईज को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो फाइव ई होते क्या है? पांच ई जो आपकी है, एंगेज, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करना एंड मूल्यांकन करना। सो ये होते हैं आपके फाइव ईस। क्लियर? जहां पे आप कुछ कंस्ट्रक्ट करते हो, कुछ नया करते हो यूजिंग योर ओल्ड एक्सपीरियंसेस, यूजिंग योर ओल्ड नॉलेज, आप कुछ न्यू करने की कोशिश करते हो। क्लियर? तो पहला आता है एंगेज। एंगेज मतलब संलग्न करना, इन्वॉल्व करना। मैं कह रही हूं मेरा स्टूडेंट एक्टिव हो, भाई उसको एक्टिव बनाने के लिए मुझे उसको कोई टास्क तो देना पड़ेगा, कुछ काम तो देना पड़ेगा ना, जिससे वो कुछ कार्य करेगा, कुछ काम करेगा जिससे कि वो एक्टिव होगा। सो द फर्स्ट फेज इज टू इन्वॉल्व योर लर्नर, असाइन हिम सम टास्क, उसे कोई क्वेश्चन दीजिए, उसे कोई एक्टिविटी दीजिए जहां पर वो अपनी ओल्ड नॉलेज को यूज कर पाए। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सप्लोर, उसे मौका दीजिए कि जाए और कुछ खोज करने की कोशिश करे। लेट हिम गो एंड एक्सप्लोर, फाइंड आउट, लेट हिम गो एंड डिस्कवर। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है एक्सप्लेन करना। अब जब बच्चा कुछ डिस्कवर करने जाएगा, ढूंढने जाएगा, तो वो आकर आपको बताएगा भी ना अपने शब्दों में कि मैंने क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या मुझे दिखा, क्या क्या मैंने देखा। सो ही इज गोइंग टू शेयर एवरीथिंग विद यू, ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, उस चीज को कॉम्प्रिहेंड करेगा, व्याख्या करेगा। देन आप उसकी नॉलेज को डीप लेवल में लेके जाओगे। इलेबोरेट मीन्स वो तो अब नॉलेज लेकर आए आपके पास, अब आप उसकी नॉलेज को डीपर लेवल तक लेकर जाओ। क्लियर? यू विल एक्सप्लेन हिम द रियल लाइफ सिचुएशन, आप उसको एक्सपैंड करोगे, उसकी नॉलेज को और ज्यादा विस्तार करोगे। एंड लास्ट इज इवैल्यूएशन, जहां पे हम ये देखेंगे ओवरऑल लर्नर ने अपने गोल्स अचीव किए, कुछ नया गेन करा, ठीक है, कुछ बेटर परफॉर्म करा, ठीक है, ओवरऑल उसने कितना इम्प्रूव करा। यू कैन गिव हिम सम टेस्ट, यू कैन आस्क हिम टू गिव सम प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब चलो इसका एक एग्जाम्पल देखें।
लेट मी टेक एन एग्जाम्पल फॉर इट. पहला स्टेप होता है एंगेज. मैंने बच्चे को एक एक्टिविटी दी कि आपको पार्क से 5 types ऑफ प्लांट्स लेकर आने, या कह लीजिए 5 types ऑफ फ्लावर्स कलेक्ट करने पार्क जाके. तो मैंने उसको ये टास्क दिया कि आपको 5 flowers लेकर आने. ठीक है, इसमें क्या होगा, बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, खुद से काम करेगा. तो एंगेज हो गया बच्चा, अब एक्सप्लोर करेगा बच्चा. सेकेंड इज एक्सप्लोर. अब वो क्या करेगा, ही गो टू द पार्क. पार्क में जाएगा, सब फ्लावर्स को चेक करेगा और देखेगा वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं. ठीक है, और उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी भी करेगा, या किसी फार्मर से वहां पे पूछ भी सकता है, गार्डनर से. ठीक है, थर्ड इज नेक्स्ट डे वो क्लास में आएगा और मुझे हर एक चीज को एक्सप्लेन करेगा. सो ही विल टेल मी द कंप्लीट स्टोरी कि मैम मैं पार्क गया, मैंने मैम सनफ्लावर देखा. क्योंकि वो, मैं पूछूंगी बेटा वो सनफ्लावर क्यों था, ये सनफ्लावर क्यों है, बोलेगा मैम ये येलो कलर का है, मुझे फार्मर ने बताया कि सनफ्लावर का सन के साथ भी है, सन जिस डायरेक्शन में जाता है सनफ्लावर उस डायरेक्शन में मूव करता है, तभी तो मैम उसका नाम सनफ्लावर है. देन आई लास्ट ये कौन सा फ्लावर है, इसे मैम ये रोज फ्लावर है, तो रोज फ्लावर में मैम बहुत अच्छी स्मेल होती है. देन आई विल टेल हिम कि बेटा कि अच्छा बताओ रोज फ्लावर को आप कहाँ कहाँ यूज करते हो. देन ही विल टेल मी मैम ये मेरा ऑर्गेनिक का फ्लावर है. इस तरह से बच्चा मुझे एक्सप्लेन करता रहेगा. देन इलैबोरेट मींस आई कैन आस्क द चाइल्ड कि बेटा सनफ्लावर को हम सनफ्लावर क्यों कहते हैं, इसमें सन का क्या रोल है. ठीक है, तो आई कैन आस्क हिम कि बेटा मुझे नहीं समझ आया कि आप सनफ्लावर को सनफ्लावर क्यों बोलते हो, इसको हम नॉर्मल फ्लावर क्यों नहीं कहते, या येलो फ्लावर क्यों नहीं कहते. क्लियर. अच्छा, फिर मैं बच्चे से पूछ सकती हूँ कि मेरे को ये बताओ डेजी को आप डेजी फ्लावर ही क्यों कह रहे हो, वॉट इज सो स्पेशल और वॉट इज डिफरेंस बिटवीन अ डेजी फ्लावर और सनफ्लावर. ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चे से कई सवाल पूछ सकते हैं. आप बच्चे से पूछ सकते हैं लोटस आप जो लेके आए हो, लोटस कहाँ ग्रो कर रहा था, लोटस का जो प्लांट था वो किस शेप का था. ठीक है, उसी तरह से आप बच्चे से पूछ सकते हो ऑर्किड व्हाइट के अलावा और कौन से कलर का होता है. ठीक है, डेलिया का प्लांट कैसा होता है. तो बच्चा जो भी फ्लावर लाए उसमें आप कुछ डीप क्वेश्चन पूछिए जहाँ पे बच्चे को सोचने पर मजबूर होना पड़े. तो इससे क्या होगा, एक तो खुद भी डिस्कवर कर रहा है और उसको कुछ नया भी पता लग रहा है. आप टीचर हो, आपको हमेशा से उससे ज्यादा पता होगा. क्लियर. एंड द लास्ट स्टेप इज इवैल्यूएट. अब आपको पता लग जाएगा कितने बच्चे जेन्युइनली गए, उन्होंने हार्ड वर्क किया और कुछ नया गेन किया, और कितने बच्चे सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं. सो इवैल्यूएशन मींस नाउ यू कैन आस्क देम टू प्रिपेयर अ पीपीटी ऑन इट, या इस पे पूरा प्रोजेक्ट बना के लेकर आए, या इस पे पूरा पोर्टफोलियो रेडी करके सबमिट करें. सो दिस इज हाउ यू इवैल्यूएट. Clear? So engage, explore, explain, elaborate and evaluate are the 5 E's of constructivism. चलते हैं लास्ट मॉडल ऑफ द इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, जो कि बड़ा ही स्पेशल मॉडल है, गिवन बाय चार्लोट मैसन, विच इज कॉल्ड एज मैसन मॉडल. ज्यादातर सभी मॉडल्स कॉग्निटिव ब्रेन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, नॉलेज गेन करो, नॉलेज को यूज करो. बट ये एक ऐसा मॉडल है जो आपके तीनों डोमेन्स पे फोकस करता है, यानी होल बॉडी अप्रोच, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन. सो एक इकलौता मॉडल जो कि होल बॉडी पर फोकस करता है, ये इसका स्पेशल पॉइंट है. जो कॉग्निटिव एकेडमिक के साथ साथ बच्चे की हैबिट्स, अफेक्टिव डोमेन प्लस बच्चे की स्किल्स पर फोकस करता है. इस मॉडल में आप हर तरह की एक्टिविटी यूज कर सकते हो. नरेशन, जहाँ पे आप स्टोरी सुनाते हो, कहानी सुनाते हो, कहानी सुनो, है ना. सो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे के एक्सप्रेशंस डेवलप होंगे, बच्चे के इमोशंस आएंगे, क्योंकि आप बच्चे को बोलोगे द फार्मर वाज क्राइंग, माय प्लांट्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड इन द रेन, गॉड प्लीज सेव माय प्लांट्स. तो दीस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस विल आल्सो यू नो arouse the emotions of the students. तो narration means story reading. Picture study, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा images, pictures का इस्तेमाल करोगे. बच्चे कहते हैं ना, Chinese proverb है, one picture is equivalent to 2000 words.
जो बात हम बता रहे हैं अगर हम एक पिक्चर दिखा दे तो बच्चे को ज्यादा याद भी रहेगा और जल्दी समझ आएगा. सो यूजिंग ऑफ पिक्चर्स, नेचर स्टडीज कनेक्टिंग द चाइल्ड टू द नेचर, बायोलॉजिकल स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज, फिजिकल वर्ल्ड, इन सबके साथ बच्चे को रूबरू करना, फ्लोरा फौना, लिविंग साइंसेस. सो स्टडी ऑफ द नेचर, अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, अगेन अफेक्टिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन, बिकॉज नॉलेज भी मिल रहा है, भावनाओं भी, आप प्रकृति से जुड़ रहे हो, यू विल लर्न हाउ टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट योर मदर नेचर. देन लिविंग बुक्स, लिविंग बुक्स क्या होता है बेटा, जब आप कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो या कोई बायोग्राफी पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है आप उस पल को जी रहे हो. कई बार आप नॉवेल्स रीड करते हो और आप उसमें लॉस्ट हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है वो कहानी आपकी आंखों के सामने हो रही है, उसे कहते हैं लिविंग बुक्स. आप मान लीजिए MS धोनी के ऊपर लिखी हुई बुक पढ़ रहे हैं, उसमें MS धोनी बता रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मैं पहली बार फील्ड पे गया, लोग चिल्ला रहे थे, ये सब आप रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हैं, बट पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लग रहा है ये तो सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है, आप उन चीजों को फील कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज योर लिविंग बुक्स. कई बार कहानियां ऐसे लिखी होती है ना, ऐसा लगता है वो पूरा सीन हमारी आंखों के सामने हो रहा है. ज्यादातर ये फीलिंग तब आती है जब हम नॉवेल्स पढ़ते हैं या फिर ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज पढ़ते हैं. एंड स्केड्यूल्ड फ्री टाइम, यानी जब आप खाली हो आप वही करते जो मेरा मन करता है. Do whatever you want to do. You want to sing a song, you want to listen to music, you want to go out for a walk, you want to do reading, you want to indulge in some sports. It's your choice. आपका खाली समय, आपका free time है. आप देखो आप किस तरह की recreational activity में involve होना चाहते हो, आप किस तरह की hobby को pursue करना चाहते हो, ये आपकी choice है. So scheduled free time. सो प्रकृति अध्ययन मीन्स यू आर कनेक्टिंग टू द मदर नेचर, प्रकृति के साथ जुड़ना. संजीदा पुस्तकें जहाँ पे आप उस पल में अपने आप को जीवित महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है वो पल आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आप उसको महसूस कर पाते, फील कर पाते. एंड स्केड्यूल्ड फ्री टाइम, परिगणित खाली समय, अपने हिसाब से अपना खाली समय यूज कीजिए. तो इस मॉडल की खास बात क्या है, ये पूरे होल बॉडी पर फोकस करता है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज यूज की गई है जहां पे आप इमोशंस एक्सप्रेशंस पर भी फोकस करते हैं. तीसरा, इस मॉडल में मॉरल वैल्यूज और नेचर के ऊपर खास तौर पे फोकस किया गया है. एंड फोर्थ टाइम इज बच्चे की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, वो अपने खाली परिगणित खाली समय को कैसे यूज करें, इवन ऑन दैट यू हैव फोकस्ड. सो दीज आर द स्पेशलिटी ऑफ दीज. So thank you for joining. If you have any doubts, you can ask me on Telegram. You can ask me in the live class or you can ask me on the app. I'll revert you back 24/7 on Telegram. Thank you for joining. Take care. God bless you and keep smiling.